वेलकम स्टूडेंट, आज सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास एक का चैप्टर 23 ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकल फीचर्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। इसमें हम पढ़ेंगे टू आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंटल एरियाज लोकेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैप, जो उसका क्षेत्रफल है, उसका विस्तार है और जो उसकी स्थिति है वो हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के मैप में। हाउ इज द सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो चारों ओर से धरातलीय स्वरूप है उसका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है वो वहाँ की जलवायु किस तरह की है। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की वनस्पति और किस तरह के जानवर और जीव जंतु पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन टुगेदर विद न्यूजीलैंड इन तस्मानिया एंड एडजॉइनिंग आइलैंड्स। जियोग्राफिकल फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड ओशियाना कॉन्टिनेंट। द मेन लैंड फॉर्म्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री साउथ टू 39 साउथ लेटीट्यूड्स एंड 130 डिग्री ईस्ट टू 154 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच स्कैटर्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय ओशंस फ्रॉम ऑल साइड। द एरिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3200 किलोमीटर एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 3900 किलोमीटर। ऑन द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय कोरल सी पैसिफिक ओशन एंड। तो ऑस्ट्रेलिया का जो गोलार्ध है वो महासागर और प्रशांत सागर से घिरा हुआ है और जो दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड जितने भी हमने पढ़े हैं वो जो आपस में जोड़ते हैं 10 डिग्री टू 39 साउथ और साउथ लेटीट्यूड में जोड़ते हैं 130 डिग्री टू 154 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब जो मकर रेखा है, इसके मध्य से होकर गुजरती है, जिसकी नॉर्थ टू साउथ की लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है, जो पश्चिम से ईस्ट की है वो 3900 किलोमीटर है। वन ऑन द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया सराउंडेड बाय कोरल सी, वो जो वो है वो लगभग सभी महासागरों से घिरा हुआ है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो आपको इस साइड में दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, जो नीचे साइड है उसमें साउथ अफ्रीका, फिर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलिया। टास्मान सी ऑन द न्यू गेनियस आइलैंड, बे ऑफ कार्पेंट्रिया, टाइमोर सी एंड अराफारा सी ऑन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन एंड साउथ ईस्ट लाइक द तस्मानिया आइलैंड, न्यूजीलैंड एंड फिजी आइलैंड इन ईस्ट। द मेन कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी। ऑस्ट्रेलिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड डेट कवर्स इंटायर कॉन्टिनेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया 768650 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जितने भी हमने शहरों के नाम पढ़े हैं उन्हीं सब वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो जितने भी हमने कंट्री के नेम पढ़े हैं वो सारे ऑस्ट्रेलिया कवर करता है। और मेन मोस्ट ऑफ जो कॉन्टिनेंट है वो आसपास से ऑस्ट्रेलिया के आसपास गिरे हुए, मतलब उसने पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया। उसी के साथ कुछ सी है, तस्मान सी है, ओशन है, पैसिफिक ओशन है, न्यूजीलैंड है, फिर इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, तो सारे जो कवर करता है वो ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसलिए इसे द्वीप का कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और ये प्रमुख द्वीप माना जाता है। आइलैंड द लैंड एरिया टोटली सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड, जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हिस्सा हो वो आइलैंड कहलाता है। और जो बे होता है वो होता है द सी एरिया सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड, जो चारों तीनों तरफ की भूमि से घिरा हुआ वो खाड़ी कहलाती है। सरफेस धरातल, द मेजर फिजिकल सरफेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स, जो धरातल है उसको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। वेस्टर्न प्लेटू पश्चिमी पठार, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए वास्ट प्लेटू, इट ऑक्यूपाइज नियरली 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंट इन लाइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ड्यू टू लेक ऑफ रेन द मोस्ट ऑफ प्लेटू इन टेरर और सेमी डेजर्ट। द नॉर्थन पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो जो ये आपका पश्चिमी भाग है वो विस्तृत है, जो महाद्वीप है उसके भाग जो है कि दक्षिण तक फैला हुआ है और उसका जो 2/3 दो तिहाई हिस्सा है वह
दक्षिण से फैला हुआ है। उत्तरी भाग में जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है वो विक्टोरिया मरुस्थल जो है पुरानी चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं ग्रेट विक्टोरिया में जो कि पाए जाते हैं। और यह विश्व के खाने किसके लिए फेमस है, तो हमने देखा था कि जो जो यहाँ के खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। और कुलडारी एरियाज फेमस इन द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में प्रमुख माना जाता है। द सेंट्रल लोलैंड्स, मध्यवर्ती निस्तल भूमि, तो जो है इन बिटवीन द वेस्टर्न प्लेटू एंड ईस्टर्न आईलैंड स्लाइस एंड एक्सपेंसिस लोलैंड, इट एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया इन नॉर्थ अक्रॉस द कॉन्टिनेंट टू द साउथर्न शोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेनी रिवर्स फ्लो इन द लेक्स, द बिगेस्ट लेक आयरे इज सिचुएटेड दिस एरिया। सो द मेजर एरिया अराउंड द आयर लेक इज नोन एज आईलैंड ड्रेनेज एरिया। द इन आईलैंड ड्रेंज इन द सिस्टम वेयर द रिवर्स फ्लोइंग इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इन टू द सी फॉल इन सम वाटर एरियाज देयर। मुर्रे एंड डार्लिंग आर द मेजर रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बोथ रिवर्स फॉल इन टू सी द साउथ रीजन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लाइक अटेस्टियन बेसिन। इन दिस एरिया द वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन वेल्स विच हैज हेल्प्ड इन कैटल रेयरिंग हियर। तो क्या है, जो पश्चिम पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य है निम्न भूमि क्षेत्रों में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन वहां से जो पहुंचकर छोटी छोटी अंतरस्थित झीलों में परिवर्तित हो जाती है। मुख्य रूप से वहां जो नदियां हैं वो मुर्रे और डार्लिंग है, जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां मानी गई है। जो बहुत दोनों नदियां हैं वो जाकर साउथ रीजन में कहाँ में मिल जाती हैं, समुद्र में। ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लाइक द अरेस्टियन बेसिन, जिसमें बहने वाली नदियों का पानी समुद्र तक नहीं जा पाता, विच हैज हेल्प इन द कैटल रेयरिंग हियर, तो किसी जली क्षेत्र में वह मिल जाता है। थर्ड है ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। देर इज पैरेलल एक्सपेंशन ऑफ दिस माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द केव प्योर पेनिसुला इन ईस्ट कोस्ट टू द तस्मानिया आइलैंड इन द साउथ। दे फॉर्म ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ हाई प्लेटूज एंड आर नोन एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिस आर वेरी नैरो एंड हाई इन साउथ काशिको 2230 इज द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीप के जो पूर्वी तट के उत्तर में केप पार्क है, जो केप यॉर्क है, जो कि पेनिसुला के तस्मानिया द्वीप के तट पर बना हुआ है और समांतर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ प्लेटू, जो एक लंबी पट्टी है वो कहलाती है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से हम जानते हैं। दे आर वेरी नैरो एंड हाई इन साउथ, जो कि यह श्रेणियाँ दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय और ऊँची है, लेकिन जो कोशिको है, कोशिको ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा हाइएस्ट पिक, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पीक मतलब शिखर। फोर्थ है कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। देर इज द ओशनिक वाटर ऑल अराउंड द कॉन्टिनेंट, हैंस देर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स इन द कॉन्टिनेंट। द सी सैंड एंड वाटर बोर्न सोइल ऑन द माउथ ऑफ रिवर फाउंड हियर। तो ये सारी जो बनी हुई है आपकी पैसिफिक, ग्रेट बैरियर डेजर्ट, पैसिफिक ओशियन, तो इसमें है कि महाद्वीप के चारों ओर जो है महासागरीय जल है, जो कि सारी दूर जाता है किस रूप में, सक्रिय समुद्र में और कोस्टल प्लेन तटीय मैदान में पाए जाते हैं। और यह जो है द सी सैंड, समुद्री रेत एंड वाटर बोर्न, जो नदियों के मुहाने पर जलोढ़ मिट्टी होती है वह वहां पर पाई जाती है। अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सटेंड द वेरी लॉन्ग एंड कोरल रेंज नोन रॉक ऑफ कोरल एज द ग्रेट बैरियर रीफ। द वर्ल्ड फेमस रीफ इज मोर देन 1920 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट वेरीज फ्रॉम 11 to 100 किलोमीटर्स। दिस कोरल रीफ हैज बीन फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशंस ऑफ द स्केलेटन्स ऑफ टीनी इंसेक्ट्स। द कोरल्स आर टीनी सी इंसेक्ट्स दैट लाइव क्लोजली टू द रॉकी स्केलेटन्स ऑफ सी फ्लोर। द कोरल्स ग्रो इन वार्म क्लियर शैलो waters in the tropical region. When the coral life remains stick at its places and new corals grow on them, the vast remains of the corals are called the coral reefs. तो जो होता है ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाने वाला एक विशाल प्रवाल भित्ती है जो मुंगी की चट्टान के नाम से जानी जाती है, इसे यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। यह विश्व की प्रवाल भित्ती है, इसके लगभग
लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर फैली हुई है, लेंथ एंड डिस्टेंस जो कि 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह जो होती है क्या होती है, स्केलेटन्स ऑफ टीनी इंसेक्ट, जो छोटे छोटे जीव जंतु है उसके जो ढांचा है वो वहाँ पर उस चट्टानों पर चिपक जाता है, उसी के ऊपर उभर कर नए इंसेक्ट जन्म लेते हैं, लाइवलिंग वहाँ पर बनी रहे। रॉकी सी फ्लोर, द कोरल ग्लोस जो ये प्रवाली कटिबंधी है, समुद्र के स्वच्छ और उथले जल की तरह पनपते हैं। प्रवाल जीवोलोग के मरने पर अस्थि पंजर अपने स्थान पर एक नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म लेने लगते हैं। प्रवाल के जो अस्थि पंजर होते हैं वही विशाल जमाव के कारण जो है प्रवाल भित्ति कहलाती है, उसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। द कोरल रीफ्स हैव कलरफुल बींग्स एंड वेजिटेशन, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी दिस टूरिस्ट, सो गो इन सबमरीन्स टू सी द कोरल रीफ्स। इन द साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाइज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज द माउंटेन आइलैंड, इन द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड आर स्ट्रेच इज अ माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इन द सॉर्थर्न आइलैंड दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड साउथ एल्स, द नैरो कुक स्ट्रेट डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। जो है प्रवाल भित्ति रीफ जो होती है रंग बिरंगी भी पाई जाती है, जहाँ पर रंग बिरंगी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिसके लिए संसार में विभिन्न लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। न्यूजीलैंड जो है और जो लोग आते हैं वो आँखों पर सब पवन डुब्बी की सहायता से उसका प्रयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जो कि एक पहाड़ी द्वीप समूह है और यह उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों की एक पर्वत श्रेणी है। दक्षिण में इस पर्वत श्रेणी का नाम दक्षिण अल्पास के नाम से इसको जाना जाता है, साल एल्प्स, एल्प्स मतलब होता है अल्पस कहते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी दक्षिणी द्वीपों में एक कुक स्ट्रेट सक्री कुक है, जल्दी से नाम को एक दूसरे को अलग करती है। क्लाइमेट, एज ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द सॉर्थर्न हेमिस्फीयर द सीजंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अपोजिट टू दोज ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, व्हेन इंडिया विच इज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज समर डेट टाइम देयर इज विंटर इन ऑस्ट्रेलिया। On 22 December, the straight sun rays fall on the Tropic of Capricorn. Tell what season will be in India and Australia dead day. तो जो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण गोलार्ध है या उत्तरी गोलार्ध के विपरीत ऋतुएं होती हैं, जो कि भारत में उत्तरी गोलार्ध है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। तो 22 दिसंबर का जो समय है, मतलब भारत में इस समय ठंड है, मतलब 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पर क्या चल रहे होंगे, समर डे। द रेन्स मेनली ओकर ड्यू टू साउथ स्ट्रेट विंड्स इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू सरफेस एयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट द ईस्ट माउंटेन रीजन गेट वेरी हैवी रेन्स वाइल द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट रिमेन ड्राई एक्सेप्ट द ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। देयर आर नो हाई माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच कुड स्टॉप हैवी रेन विंड्स डेट प्योर रेन्स हैंस इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देयर इज वॉस्ट डेजर्ट इन द नॉर्थ कोस्ट बाय ट्रेड विंड्स एंड इन साउथर्न कोस्ट एस्पेशली इन तस्मानिया आइलैंड रेन ऑक्यूज इन विंटर विंड्स। अब क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में है जो प्रमुखता दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो बनावट के कारण पूर्वी तटीय पर अधिक वर्षा होती है, जितने भी शेष हैं मध्य और पश्चिमी भागी पूर्वी क्षेत्र है उसका उच्च पूर्वी क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र भी नहीं है भारी हवाओं को रोक सके जिससे वर्षा हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो विशाल भाग है वह जो है मरुस्थल पाया जाता है क्योंकि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में जो मानसूनी हवाएं होती है वह दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया द्वीपों के द्वारा हवाओं के द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट हेडिंग है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द क्लाइमेट एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एनी एरिया अफेक्ट द वेजिटेशन, द वेजिटेशन आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एज पर रेन डिस्ट्रीब्यूशन। द कोस्टल एरियाज विच रिसीव हैवी रेन abound with long trees and forests. The western and center dry land are full of thorny bushes and grass. अब जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ की जीव जंतु और वहाँ की
वनस्पतियां। किसी क्षेत्र की जो जलवायु होती है धरातली स्वरूप का उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है काय पे, वनस्पति पे। द वेजिटेशन आर फाउंड, जो विभिन्न वनस्पतियां जो वहाँ पाई जाती हैं तटीय क्षेत्र में जहाँ अधिक वर्षा हो वहाँ बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, और पश्चिमी तथा मध्य प्रदेश में छोटे और सूक्ष्म वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही वहाँ पर थ्रोनी बुशेस एंड ग्रास, कटीली झाड़ियाँ और घास पाई जाती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थन एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच रिसीव हैवी रेन्स। दे आर कॉल्ड लाइक मॉनसून फॉरेस्ट बट दे आर एवरग्रीन। दिस इंपॉर्टेंट डेट ग्रो इन दिस फॉरेस्ट आर देवधर डेट, बम्बू ओक एंड बोटला आर इम्पोर्टेंट ट्री। द यूकेलिप्टस ट्रीज, द कोलो एनिमल mostly live on the trees, eats the leaves of eucalyptus trees. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि होते हैं वहाँ नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, वहाँ पर जो तेज बारिश होती है। दे आर लाइक मानसून फॉरेस्ट, वहाँ पर मानसूनी जंगल मिलते हैं, मतलब वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं तो देवधार ताड़, बांस, बाओबाब, बोतल वृक्ष प्रमुख है। दक्षिण पश्चिम में जो है मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो तस्मानिया है जो कि शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के वनों के बीच में यूकेलिप्टस है, यहाँ लगभग 500 से अधिक प्रजाति के यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। यहाँ का कोआला नामक जंतु पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस जो पेड़ है उसी की पत्तियों को खाता है। The middle regions of Australia which receive little rain have trees and grass totally. There are two types of grassland here. The north there is tropical grassland and in south of Murray Darling Basin has temperate grassland which is known as Downs also. अब जो है ऑस्ट्रेलिया के जो मध्यवर्ती भाग है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ व घास साथ साथ होती है। यहाँ दो प्रकार की घास होती है जो कि भूमि पर मिलती है, उत्तरी क्षेत्र में कटिबंधी घास, भूमि के दक्षिण में मुर्रे और डार्लिंग बेसिन है जो कि इस क्षेत्र में कंगारू नाम का एक जीव पाया जाता है। द कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कंगारू है वहाँ का राष्ट्रीय जान पशु है। इमू कुकु कोका बोर्रा लायर बर्ड आर देयर डिफरेंट बस। उसी तरह वहाँ पर कुछ पक्षी और पाए जाते हैं जो कि इमू कोका बोर्रा और लायर बर्ड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एमू, द एमू इज लार्ज साइज बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई बट रन वेरी फास्ट। जो एमू है वो बड़े साइज की एक पक्षी है जो उड़ तो नहीं सकती लेकिन दौड़ती बहुत तेज है। कोका बोर्रा, द कोका बोर्रा इज कॉल्ड द लाफिंग जैकल बिकॉज ऑफ इट बेसिकल लाइफ लाइक कार। जो कि कोका बोर्रा है विचित बोली और हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकल भी कहा जाता है। लायर बर्ड, दिस इज मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जो लायर बर्ड है वो दुनिया की सबसे सुंदर पक्षी है। किवीज एंड पेंगुइन्स आर बोट बर्ड्स, आर निवीज द नेशनल बर्ड्स ऑफ न्यूजीलैंड। दिस कैन नॉट फ्लाई बट रन वेरी फास्ट। किवी और पेंगुइन जो है दुनिया की सबसे अच्छी पक्षी है और इन्हें राष्ट्रीय बर्ड का दर्जा प्राप्त है और ये दौड़ बहुत तेज सकती है। सो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी वर्कशीट।